गुड मॉर्निंग बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। हमने भाई है ना फर्स्ट डी तक कंप्लीट कर लिया था कि जहाँ हमने चरों को पृथक पृथक करके पढ़ा, समघात अवकल समीकरण को पढ़ा, जहाँ समघात नहीं थी समीकरण उसको समघात योग्य बनाया, फिर उसको पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ते हैं रैखिक अवकल समीकरण, जिसमें कुछ एक देखो क्या किस प्रकार के हमारे पास समीकरण होगी कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स डी वाई बराबर क्या क्यू एक्स। इस प्रकार की हमारे पास क्या होगी, कोई अवकल समीकरण होगी जहाँ हम क्या ज्ञात करेंगे उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो हम ट्वेल्थ में जब ज्ञात करते थे किस में, इंटीग्रेशन वाले पोर्शन में, कि हम क्या निकालते थे उसका समाकल गुणांक निकालते थे, जहाँ क्या करते थे e की पावर p dx। जब हमारे पास dy वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में दी होगी तो हम क्या करेंगे e की पावर p dx, और उसका जो हम प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन निकालेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि y इंटू भाई किस में दी हुई है y में, सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर समाकलन का चिन्ह क्यू एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ये क्या हो जाएगा हमारा उस समघात समीकरण, जो अवकल समीकरण दी होगी रैखिक अवकल समीकरण, उसका सोल्यूशन आएगा जहां हम इंटीग्रेशन करके उसका अभीष्ट हल ज्ञात कर लेंगे। या ये समीकरण यहाँ क्या दी हुई है डी वाई अपॉन डी एक्स, ये समीकरण क्या किस प्रकार की हो सकती है डी वाई अपॉन जो डी एक्स है डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में भी हो सकती है, क्या कि डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई डी एक्स बराबर क्यू वाई। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो किसका करोगे, ई की पावर में क्या इंटीग्रेशन पी डी वाई। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि किसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, यहाँ किसके रेस्पेक्ट में वाई के रेस्पेक्ट में है अवकल समीकरण तो डी वाई, यहाँ किसके रेस्पेक्ट में एक्स के में तो ये डी एक्स। जब यहाँ ऊपर क्या है समीकरण एक्स के साथ है तो यहाँ भी क्या आएगा एक्स आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। ठीक है, जहाँ सी हमारा क्या है कॉन्स्टेंट है, कोई भी समाकल कॉन्स्टेंट है नियतांक है, तो ये हमारी इस प्रकार की कोई समीकरण होगी जहाँ हम पी एक्स और क्यू एक्स को क्या करेंगे भाई पी एक्स बराबर लिख लेंगे क्यू एक्स, जहाँ पी एक्स होगा उसको क्या उससे क्या निकाल लेंगे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, जहाँ से हम उस समीकरण में रख सकेंगे और उसका बाद में हम क्या करें समाकलन करके उसका अभीष्ट हल निकाल सकते हैं आसानी से। तो ठीक है, एक बार इसे है ना उतारो इस जो हमारे दी हुई स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसके बाद करते हैं हम सवालों की बात। देखना सवाल से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं जो हमारी रेखीय अवकल समीकरण है क्या। देखो एक क्या दिया हुआ एग्जांपल दिया हुआ तुम्हारा, कि क्वेश्चन नहीं है भी एग्जांपल है तुम्हारा पहला वाला कि क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू एक्स वाई बराबर फोर एक्स स्क्वायर। जहाँ हमने देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म में कि हमारे पास क्या था डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में कुछ इस प्रकार से थी कि हम क्या करें कि एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्या करते पूरे समीकरण में भाग दे दें तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में बनेगी। कैसे, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ठीक है टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई बराबर फोर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। इक्वेशन इसे दे देते हैं फर्स्ट कि देख लो यहाँ से हमारे पास जो पी एक्स है वो पूरा एक्स में बन गया, उस वाई को अलग लिख लिया। हमारे पास यही तो था कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स डी वाई बराबर क्या था क्यू एक्स। ठीक है, ये वाई यहाँ पे वाई था तो ये आ गया, तो इसे ये क्या है हमारे पास पूरा पी एक्स मानते हैं इसे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा पी एक्स पी बराबर लिख लो या पी एक्स बराबर लिख लो, मतलब एक्स की फॉर्म होनी चाहिए, तो टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और जो क्यू एक्स है वो क्या है हमारे पास फोर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो क्या करते हैं हम ई की पावर में भाई क्या करते हैं ई की पावर में इसे लिखेंगे पी डी एक्स को, तो टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। ठीक है, अब इसका करते हैं हम क्या इंटीग्रेशन निकालना है, तो हमें क्या करें इस वाले को निकालने के लिए कि माना कि एक्स स्क्वायर प्लस वन को क्या मान लिया हमने टी मान लिया, तो देखो इसका अवकलन क्या होगा टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी, वन का तो क्या हो जाएगा जीरो, सो टू एक्स डी एक्स किसके साथ चला गया डी टी के साथ, और एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या माना हमने टी, तो क्या लिख सकते हो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर ई की पावर डी टी अपॉन टी, और क्या हो जाता है इसका लॉग टी। देखो ई की पावर में है तो लॉग और ई आपस में कटेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या ओनली टी, और जहाँ टी बराबर हमारे पास था क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन, सो एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये वाली चीज़ भाई 12वीं में कर चुके हैं, आसानी से आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद देखना क्या कि कौन सी उसमें दी है y के साथ, सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर समाकलन का चिन्ह क्यू एक्स, क्यू एक्स क्या है फोर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस सी, डी एक्स प्लस सी, ठीक है। सो हमारे पास देखो क्या, जो हमारे पास देखो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या ओनली हमारे पास कि वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर फोर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब क्या करना है, बस समाकलन ही तो करना है फोर एक्स स्क्वायर का, सो वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर ये हो जाएगा फोर एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी, जो हमारे क्या आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा सवाल था जो हो गया, इसके देखना आगे एग्जांपल करेंगे अगला, इसे उतारो एक बार जल्दी से फटाक। देखो अगला एग्जांपल नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है कि sec x dy upon dx बराबर y plus sin y, ये वही हम बना लें इसको, dy upon dx रखना है खाली यहाँ पे, तो क्या कर दिया हम sec x का इधर डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास ओनली बचेगा dy upon dx बराबर y plus साइन वाई अपॉन सेक एक्स, ठीक है। ये सेक एक्स यदि हम देखें वन अपॉन सेक क्या होता है कोस एक्स, तो क्या लिख सकते हैं इसे भाई, इसे क्या लिखूं मैं अगली स्टेप में देखना कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कोस एक्स, कोस एक्स ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा वाई प्लस साइन वाई, और यदि इसके साथ मल्टीप्लाई हो कि डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा कोस एक्स वाई, ठीक है, प्लस कोस एक्स साइन वाई, ठीक है, इतना हो गया कोस एक्स साइन वाई हो गया। तो ये हम इसको इधर लेके आए भाई, क्या लेके आए सवाल में कहीं गड़बड़ी तो नहीं है भाई, देखना जरा, ये है ना एक्स भाई, है ना, तभी लग रहा था कि है ना कि क्यों अलग क्यों आ रहा है हमारा, ये एक्स करना साइन एक्स है, ये साइन एक्स है, अब हो जाएगा। यदि क्या करें हम इस कोस एक्स को इधर लेके आए भाई, कोस एक्स को क्या लेके आए, ये डी एक्स, ये आ जाएगा कोस एक्स वाई बराबर कोस एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब इसे दे देते हैं हम क्या इक्वेशन फर्स्ट, अब यहाँ आसानी से देख पा रहे हो कि ये डी वाई अपॉन डी एक्स बन गया, ये माइनस जब मानेंगे पी मानेंगे तो कहाँ चला जाएगा, माइनस उसके साथ चला जाएगा, तो देखो कोस एक्स और ये वाई अलग, कोस एक्स साइन एक्स, ये पूरा क्या है क्यू एक्स, ठीक है, पूरा क्या है क्यू एक्स। तो देखो हम इसमें से पी देखें तो हमारे पास पी है क्या माइनस कोस एक्स, और क्यू क्या है कोस एक्स साइन एक्स, ठीक है। इसका क्या निकालें हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें तो क्या आएगा ई की पावर माइनस कोस एक्स डी एक्स, ठीक है, तो क्या आएगा माइनस कोस एक्स डी एक्स है, कोस एक्स का समाकलन क्या होता है साइन एक्स, ठीक है, सो साइन एक्स, और माइनस चल रहा है तो माइनस का माइनस है, ठीक है। अब रख लिखें भाई इसका निकालोगे क्वेश्चन तक इसमें आएगी वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा साइन एक्स ई की पावर माइनस साइन एक्स बराबर क्यू एक्स क्या है कोस एक्स साइन एक्स, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ई की पावर माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक है। क्या करें हम कि हम इसमें से देखो इसका आसानी से तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हम टी वगैरह मान के कुछ कर सकते हैं, यदि हम साइन एक्स को क्या मान लें, हम देखना कि माना कि साइन एक्स बराबर हमने क्या मान लिया टी, तो साइन एक्स का यदि डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब किस में चला गया हमारे पास, देखो ये कोस एक्स डी एक्स तो किस में चला गया डी टी के साथ, और साइन एक्स हमने क्या मान लिया टी, देखते हैं वहाँ रखते हैं इसमें कि वाई इंटू ई की पावर माइनस साइन एक्स बराबर यहाँ रखोगे, देखो ये तो ई की पावर माइनस टी और ये हमने क्या माना था टी, भाई साइन एक्स क्या माना था टी, और कोस डी एक्स कहाँ चला गया डी टी के साथ प्लस सी, हो गया यहाँ तक हमारा, छोटा सा बन गया, कर सकते हैं इसका आसानी से यू इंटू वी के साथ खंड समाकलन से, जहाँ देखो क्या है आई एल ए टी ई,
हाईलाइट से निकाल सकते हो। पहले क्या इनवर्स, लॉगरिथम, एलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये e की पावर वाले हैं, ठीक है। तो उसका क्या है, इसको क्या मानोगे अब, सेकंड फंक्शन। इसको e की पावर वाले को देखो, इस t को तो क्या मान लिया, फर्स्ट, और e इसको सेकंड। सो अब देखो क्या आ जाएगा, y e की पावर माइनस साइन x बराबर की फर्स्ट फलन का क्या होगा, एज इट इज, और सेकंड फलन का अवकलन। तो e की पावर माइनस t का क्या होगा, माइनस e की पावर t माइनस, ठीक है, फर्स्ट फलन का अब क्या होएगा, अवकलन, टी का टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा, वन, और सेकंड फलन का क्या होगा भाई, सेकंड फलन का तुम क्या करोगे, इंटीग्रेशन। तो इसका क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस टी, माइनस माइनस है प्लस टी हो गया, ठीक है। तो अब इसका क्या, यहाँ तक हो गया, तो क्या लिखोगे आगे कि y e की पावर माइनस साइन एक्स बराबर, देखो यहाँ माइनस, यदि माइनस पूरे में से कॉमन ले लें, ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, पूरे में से कॉमन, और e की पावर माइनस टी भी कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा, वन प्लस टी प्लस सी प्लस सी, ठीक है। अब t की जगह हम क्या लिख दें, साइन एक्स जो हमने माना था, सो e की पावर माइनस साइन एक्स वन प्लस साइन एक्स प्लस सी, जो हमारे क्या आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है भाई, ठीक है। तो इसका ये क्या है, हमारे पास आंसर आ गया इसका। तो देखना भाई हमने क्या किया था कि क्या करते हो, खंड समाकलन से हमने इसको सोल्व कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये यहाँ तक भाई होता क्या है, यू इंटू वी का खंड समाकलन फॉर्मूला तुम्हें पता है ना, उसका यहाँ तक कर लोगे, और नहीं पता है तो निकाल के देख लेना, आसानी से आ जाएगा, फॉर्मूले याद होने चाहिए पहले जो हमने कर चुके हैं, ठीक है। और तो उसको हम यहाँ तक करेंगे, इसको सोल्व किया, जहाँ हमारे पास जो टी माना था हमने, क्या माना था, साइन एक्स, ठीक है, उसको क्या लिख लिया, साइन एक्स लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एग्जांपल नंबर थर्ड हो गया आसानी से, ठीक है। तो उतारो जल्दी से, कॉपी करो इसे, देखो अगला एग्जांपल, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर फाइव का दिया, वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई। सो हमें बदलना है इसे किसकी फॉर्म में, कुछ डी वाई अपॉन डी एक्स या डी एक्स अपॉन डी वाई बने हमारा। तो यहाँ देख पा रहे हो कि हमारे पास क्या है, वन प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स एक्स। यदि देख पाएँ तो हमारे पास ओनली फोर एक्स की फॉर्म में क्या है, एक ही टर्म है, कि हमारे पास एक्स की फॉर्म में क्या है, हमारे पास एक ही टर्म। जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स करते थे तब हमारे पास ओनली फोर वाई की टर्म क्या होती थी, एक होती थी, जहाँ से हम क्या कर लेते थे, वो पी एक्स के साथ वाई लगता था मल्टीप्लाई में। यहाँ देखना किस प्रकार से हम बना रहे हैं कि इस वन प्लस वाई स्क्वायर को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, देखना, वन प्लस, मैं एक बार लिख रहा हूँ, देखो वाई स्क्वायर डी एक्स, इस डी वाई को मैं कहाँ लेके आया, इसके साथ लेके आया, तो ये क्या बच गया हमारे पास, ओनली टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स, यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करें कि वन प्लस वाई स्क्वायर का पूरी इसमें भाग दे देते हैं, तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, देखो डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस, अलग अलग लिख रहा हूँ भाई मैं पहले से ही, वन प्लस वाई स्क्वायर। देखो आगे कि डी एक्स अपॉन डी वाई, इसको इधर लेके आऊँ तो किसका हो जाएगा, प्लस का, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर एक्स बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट दे दिया इसे। तो अब तुम देख पाए क्या, डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में बना, तो ये क्या होता था हमारा, पी वाई एक्स डी एक्स बराबर क्यू वाई। तो हमारे पास क्यू क्या है, पूरी वाई की फॉर्म में है, और पी भी क्या है, पूरा वाई की फॉर्म में है, तो हमारा क्या इसके साथ बन रहा है, डी एक्स अपॉन डी वाई के साथ बन रहा है। तो यहाँ से हमारे पास पी क्या आएगा, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, और ये किसका क्या आएगा, क्यू क्या आएगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसका निकालें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि समाकल गुणांक क्या आएगा, देखो e की पावर क्या होता है हमारे पास, p डी वाई होगा इसमें, तो वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। इसमें देखना कि वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, मतलब वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन के साथ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, e की पावर टेन इनवर्स वाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। यहाँ देखो
अब किस में दी हुई है, एक्स के साथ दी हुई है, क्या आएगा एक्स बाई डी एक्स अपॉन डी वाई दिया हो तो एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, ई की पावर टेन इनवर्स वाई बराबर क्या आएगा इंटीग्रेशन क्यू एक्स क्या है टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ई की पावर टेन इनवर्स वाई डी वाई प्लस सी। देखना इसका भी आसानी से क्या नहीं निकाल सकते तुम भाई, इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते तुम, क्या करें टेन इनवर्स वाई को क्या मान लें दोबारा से, टेन इनवर्स वाई को हमने क्या मान लिया टी मान लिया, तो इसका भाई अवकलन क्या होता है, माना कि टेन इनवर्स वाई हमने क्या मान लिया टी, इसका अवकलन क्या होता है वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर डी टी। तो ये किसके अंदर चला गया वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर किसके साथ चला गया डी टी के साथ चला गया पूरा। सो क्या लिखोगे देखो एक्स e की पावर टेन इनवर्स y बराबर देखो टेन इनवर्स y को हमने क्या मान लिया t मान लिया और e की पावर बस जो टेन इनवर्स y है उसको क्या लिख दे e की पावर t और वन प्लस वाई स्क्वायर हमारे क्या चला गया पूरा अपॉन में था जो dt के साथ प्लस c। अब इसका आसानी से डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन कर सकते हो, अभी किया भी था हमने वही खंडस समाकलन के साथ x e की पावर टेन इनवर्स y बराबर फर्स्ट फलन एज इट इज सेकंड का अवकलन माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन सेकंड का समाकलन प्लस सी। सो एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई बराबर इसमें से क्या कॉमन आ रहा है ओनली फॉर हमारे पास ई की पावर टी, तो ये टी माइनस वन प्लस सी, टी की जगह क्या लिख दोगे टेन इनवर्स वाई। सो एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई बराबर ई की पावर टेन इनवर्स y, ये भी क्या हो जाएगा टेन इनवर्स y माइनस वन प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया इसका प्रॉपर आंसर आ गया। ठीक है, हाँ ये हमारे क्या आ गया इसका प्रॉपर आंसर आ गया कि यदि t मान के चल रहे थे हम भाई, हमने क्या माना टेन इनवर्स y बराबर हमने क्या मान लिया t मान लिया, तो हमारे पास कहाँ वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर किसके साथ चला गया डी टी के साथ चला गया भाई। तुम इधर है ना e की पावर जो टेन इनवर्स वाई दिया हुआ है टेन इनवर्स वाई हमने क्या मान लिया टी मान लिया, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो तुम टी भी लिख सकते हो यहाँ इस टाइप में, या इसको बराबर करके साथ में बराबर रहने दो भाई, बराबर करके लिख लिया करो यदि यहाँ नहीं लिखना तो। ठीक है, जहाँ हम टी की वैल्यू रखेंगे ना तब साथ में रख देना। अब यहाँ पे हमने क्या रखा है टी बराबर टेन इनवर्स वाई, पूरे इस टाइप में क्या रख दिया हमने पूरा टेन इनवर्स वाई रख दिया इसके लिए। ठीक है, तो हम इस प्रकार के जो हमारे पास समीकरण हैं जो रैखिक अवकल समीकरण की फॉर्म में नहीं है उन्हें कन्वर्ट करेंगे, इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे कि जहां हमारे पास क्या हो रैखिक अवकल समीकरण में रूपांतरित हो जाएगी, तो उसका हम आसानी से इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह निकाल के उसको सोल्व कर सकते हैं, उसका अभिष्टल निकाल सकते हैं हम आसानी से। ठीक है, तो ये हमारे क्या था एग्जाम्पल नंबर 5 था, उतारो इसे फिर देखते हैं आगे। देखना एग्जाम्पल नंबर अगला 6 क्या दिया हुआ है कि 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई की पावर टेन इनवर्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। इसमें थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं हम, यदि इसको बराबर से उधर लेके जाएं देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं इसे माइनस एक्स माइनस ई की पावर टेन इनवर्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। इस डी वाई अपॉन डी एक्स को लेके आए तो इधर क्या हो जाएगा देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स अपॉन डी वाई बदल जाएगा भाई ये। ठीक है, तो इधर क्या है हमारे पास माइनस एक्स ई की पावर माइनस टेन इनवर्स वाई। ठीक है, ये हो गया। इस वन प्लस वाई स्क्वायर को कहाँ ले जाती है इसके पूरे के साथ पहले वाली तरह, तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस, ठीक है माइनस अलग अलग लिख रहा हूँ मैं, एक्स प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। अगले स्टेप में हमने सोल्व किया कि डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है इसको इधर लेके आ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर ये एक्स और ये क्या हो जाएगा ई की पावर टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमने जो अभी इस जो किया था एग्जांपल नंबर 5 उसी की तरह डेटो आगे होगा भी, किसकी फॉर्म में दिया हुआ है डी एक्स अपॉन डी वाई, और जो हमने एग्जाम्पल 5 भी किया था वो भी हमारे क्या आ रहा था डी एक्स अपॉन डी वाई के साथ आ रहा था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या है पी, ये किसके बराबर हो जाएगा पी और ये किसके बराबर हो जाएगा क्यू के। तो जहाँ से हम आसानी से इसका क्या निकाल सकते हैं भाई इसका अभिष्टल निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो ये सवाल करोगे तुम, यहाँ तक मैंने इसे सोल्व कर दिया है, सेम जो एग्जांपल हमने किया था 5 उसकी तरह है एज इट इज़, ठीक है। तो अगली क्लास में जो हम करेंगे सवाल, वो करेंगे एक्सरसाइज के सवाल, एग्जांपल हम लगभग इस जो वीडियो में इसमें कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।